हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं आलू टिक्की। जैसे कि बाज़ारों में हम कुरकुरी टिक्की चाट खाते हैं, वैसे ही आज आप मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये दो आलू बॉयल कर रही है, इनको मैंने हाफ हाफ काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आइए पहले इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट करती हूँ। ये देखिए, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसके बीच में ही ये प्याज, ये अदरक और ये हरी मिर्च, ये भुना हुआ जीरा और ये काला नमक और काली मिर्च जो मैंने ली है वो डाल दी। और इसी के साथ ही मैंने ये एक चम्मच जो चाट मसाला लिया छोटे वाला वो भी डाल दिया। और इसी के साथ ही ये दो चम्मच मैंने अरारोट लिया है। और इन सब के अलावा अब मैं इसमें, ये देखिए, आधा चम्मच मैंने काला नमक पाया है और आधा चम्मच मैं सफ़ेद वाला नमक डाल रही हूँ और 1/4 गरम मसाला, 1/4 धनिया पाउडर और 1/4 ही ये रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें और 1/4 ही मैं इसमें ये हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर दूँगी। ये देखिए, हमारा जो टिक्की का डो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे, जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है उस हिसाब से आप गोले ले सकते हो। ये देखिए, मैं इतना बड़ा ले रही हूँ। ये देखिए, आपको ऐसे राउंड राउंड घुमाना है इसको हाथ के ऊपर ही, ऐसे हथेली के ऊपर, और इसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, बड़ी आसानी से हो जाता है, बस आपको ऐसे हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। जितनी बड़ी आप टिक्की चाहते हो उस हिसाब से इसको बना लीजिए। ये लीजिए, अब मैं इसको, ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा राउंड ये कर दूँगी और ये हमारी टिक्की जो बनके रेडी है। ये देखिए, जब तक मैं अपनी टिक्की बना के रेडी कर रही हूँ तब तक मैं फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बड़े चम्मच, क्योंकि हमको इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ सैलो फ्राई करना है। ये देखिए, सिर्फ दो ही चम्मच मैंने डाले हैं और ऐसे आपको हिला हिला के फ्राई पैन में सारी जगह पे तेल लगा देना है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपनी बाकी टिक्की भी, ये देखिए, बना के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारे ऑयल को गर्म होते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फिर इसको अच्छी तरह ऐसे फ्राई पैन पर सारी तरफ घुमा दूँगी। ये देखिए, अब मैं, ये देखिए, दो आलू में मेरी ये चार टिक्की बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको उठाऊँगी। ये देखिए, इसके बीच में मैं ऐसे रख दूँगी। आपको इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि हम ऑयली नहीं बना रहे ज़्यादा। ये देखिए, मेरा फ्राई पैन बड़ा है इसलिए इसमें चार आ जाएंगी और मैं चार इसमें आराम से ऐसे रख के फ्राई कर दूँगी। ये देखिए, अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है क्योंकि अगर हम हाई करेंगे तो ये टिक्की बाहर से जल जाएगी लेकिन अंदर से फ्राई नहीं होगी। आपको इसका गैस का फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम ही करना है। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए पहले नीचे से सिकने दूँगी। ये देखिए, हमारी जो टिक्की है वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको दूसरी साइड पलटी कर देंगे। ये देखिए, स्पून के साथ ही इसे थोड़ा आराम से ऐसे, ये देखिए, दूसरे स्पून की हेल्प से आप कर सकते हो। ये देखिए, आप इसको भी उठा लूँगी मैं ऐसे। ये देखिए, आप देख सकते हो इसका कलर, देख सकते हो अच्छे से कितना अच्छा हुआ है। आपको मीडियम आंच पे ही पकाना है, फुल आंच नहीं करनी है। फुल आंच से क्या होगा, ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा, और जो हमने अरारोट इसमें डाला है वो फिर पकेगा नहीं, इसलिए आपको मीडियम आँच पर ही पकाना है। मैं, ये देखिए, इसको भी ऐसे ही पलटी कर दूँगी और ये भी, इसको थोड़ा उठाना मुश्किल है लेकिन आराम से उठाइए क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखिए, अब मैं दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, हमारी टिक्की है जो दूसरी साइड से भी हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसे, ये देखिए, अच्छी तरह तेल इसमें निकाल के अब मैं इसको ये प्लेट में निकाल लूँगी।
ये लीजिए। ये आप देख सकते हो, मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल लिया था, उसमें से भी एक चम्मच बच गया है। हमारी एक चम्मच में ही हमारी टिक्की, ये देखिए कितनी कुरकुरी टिक्की रेडी हुई है बनके। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये देखिए हमारी कुरकुरी टिक्की बनके रेडी है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए मैंने दही लिया है जिसे मैंने स्ट्रेनर से जो इसका पानी था वो स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसको, ये देखिए ये पूरा इसका जो पानी है वो पूरा निकल गया है। और अब थोड़ी सी मैंने ये भुजिया ली है, आलू भुजिया, और ये इमली चटनी है जो मैंने घर पे ही रेडी की हुई है, और ये धनिया और पुदीने की चटनी है। ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और ये मैंने एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, और ये एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, और ये थोड़े से मैंने ओनियन लिए हैं। मैं आपको दो तरीके से टिक्की की प्लेटिंग करनी दिखाऊंगी, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से अपने करके खा सकते हो। पहले के तरीके की जो है उसमें, ये देखिए मैंने ये दो टिक्की रख दी है। अब मैं इसमें ये दो चम्मच शुगर इसमें ऐड कर दूँगी, और मैं इसको अच्छी तरह पहले शुगर को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए शुगर मैंने अच्छी तरह दही में मिक्स कर दी है। अब सबसे पहले मैं इनके ऊपर ये दही डालूंगी, आपको कम ज़्यादा जो आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आप कम खाना पसंद करते हो तो आप कम डाल सकते हो। ये देखिए ऐसे करके रख लीजिए, ये देखिए पूरी तरह दही से अच्छी तरह टिक्की को कोट कर लीजिए। अब मैं इस पर ये देखिए जो मैंने इमली की चटनी बना रखी है घर पर ही वो डाल दूँगी। ये देखिए इससे क्या है, जो हमारी जो चाट है वो खट्टी मीठी बन के रेडी होगी। ये देखिए ये मैंने इमली की चटनी इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं इसी के साथ ये जो मैंने धनिया और पुदीने की चटनी रेडी कर रखी है, ये भी होममेड है, ये भी मैं घर पे बना दूँगी। ये मैंने फ्रेश बनाई है, आप भी फ्रेश बना के ही यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेश बनी हुई बहुत अच्छी लगती है टिक्की चाट पर। अगर बासी होगी तो उसका टेस्ट वो वैसा नहीं रहता जैसा कि होना चाहिए। ये देखिए अब मैं इस पर ये थोड़ा सा भुजिया जो मैंने लिया है वो डाल दूंगी। ये देखिए मैं दो तरह से आपको बताऊंगी कि टिक्की आपको, अगर दोनों में से जो आपको पसंद है आप वैसी बना के खा सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए, जितना आपको खाना अच्छा लगता है आप उतने साथ ये रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी, और इसी के साथ ही ये थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए ये हमारी टिक्की बनके रेडी है। अगर आपको दही थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप दही थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो इसके बीच में। ये देखिए मेरे को दही थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये हमारी एक तरह की टिक्की चाट होगी। अब मैं दूसरी तरह की आपको बताती हूँ। ये देखिए इसमें मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने टिक्की रख ली है अपनी दोनों। अब मैं इस पर वैसे ही पहले दही करूँगी। ये देखिए आपको दोनों में से जो भी खाना है, दोनों तरह की बहुत अच्छी लगती है खाने में, जो भी आपको पसंद हो आप ऐसी बना सकते हो। ये देखिए अब मैं वैसे ही इस पर पहले ये इमली वाली चटनी डाल दूँगी। ये देखिए और उसी के साथ ही ये हरी वाली चटनी भी डाल दूंगी वैसे। ये देखिए बाजार में जो हमारी आलू टिक्की मिलती है उस बाजार में जो आलू टिक्की मिलती है उससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। ये देखिए मैंने इस पर थोड़े से प्याज, ये देखिए मैंने इस पर थोड़े से प्याज लगा दिए हैं। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया है इस पर। अब मैं इस पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसे स्प्रिंकल कर दूंगी, उसी के साथ ही ये थोड़ा सा चाट मसाला। सेम प्रोसीजर है बस इसमें थोड़ा सा मैंने उस पर मैंने, ये लीजिए सेम प्रोसीजर है, वही सेम है बस सिर्फ मैंने ओनियन डाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं रेड चिली इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी।
देखिए आप देख सकते हो मेरे दोनों तरह की टिक्की चाट बनके रेडी है। आपको जो भी खानी पसंद है आप वो वैसी बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये आलू टिक्की चाट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।